मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ निषाद कैंवर समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। समारोह में उन्होंने कहा कि प्रदेश की मछुआ नीति को कैबिनेट की अगली बैठक में मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मछुआ नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, साथ ही समाज के लोगों के हित में राज्य सरकार में नीति बनाई जाती है, लेकिन इसका अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने का दायित्व समाज का है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। इस नीति के तहत मछली पालन करने वाले लोगों को किसानों के जैसा बिना ब्याज का ऋण तथा बिजली शुल्क में छूट दी जा रही है। इन प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए समाज के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सामने आना चाहिए। उन्होंने संसदीय सचिव और निषाद कैंवर समाज के नव निर्वाचित अध्यक्ष कुंवर सिंह निषाद के आग्रह पर निषाद कैंवर समाज के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की घोषणा की। आप तो बायो प्लांट आ गए, टंकी बरबर लिखे बायो प्लांट और मछली डाल दे तो व्यवस्था होगी, मछली उत्पादन होते। आजकल बड़े बड़े बांध में केज बना के महिला समूह केज बना कर रहे थे, केज बना के तुम उत्पादन करे स्कूलों को थे, अभी सब जगह केज लगे कावर तुम केज नहीं लगा, केज भी जल्दी मछली तैयार होते। समूह बनाओ, फाइनेंस कराओ, केज लगाओ, मछली पालन करो, जल्दी तैयार हो।